الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام شریکات کلاس آپ کو آج کا دوسرا دن سعادتوں رحمتوں اور برکتوں بھرا مبارک ہو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے محبوبہ کا مالک خوش قطر امت کے راہبر اللہ کے پیغمبر صاحب انا اعطیناک الکوثر رحمت عالمیہ اور صاحب قرآن سید انسجام اور شفیع مجرمان جن کی کالی زلفوں پہ قربان ہوتے ہیں وہ کالی زلفوں والے اور وہ سنہری جالیوں والے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسلک عظیم تر ماہ مبارک میں جو گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئیں اور ان گھڑیوں میں ہم نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس عادات مقدس معمولات کو سیکھنے کا قصد کیا ہر دن میں اللہ کریم ہمیں اس میں برکت عروج عطا فرمائے میں نے کل آپ کے سامنے اشارہ کر دیا تھا کہ آج دوسرے لیکچر کا ہمارا موضوع توبہ سے متعلق ہوگا تو ہم اپنے اس مخصوص جملے پر اپنے موضوع کو رکھیں گے جو ہم بڑی سادگی سے اور بعض لوگ واقعی سچائی اور اخلاص کے ساتھ بولتے ہیں یا اللہ میری سچی توبہ اسی موضوع پہ ہم آج بات کریں گے یا اللہ میری سچی توبہ کیوں آج ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے آج کیوں ہے پورا رمضان تو پڑا ہوا ہے کر لیں گے نا توبہ جی کر لیں گے پھر آج کچھ اور بیان کر لیتے نہیں تو توبہ کی حیثیت پہلے سمجھنی ہے پھر ہم نے آیت کے مطابق آگے بڑھنا ہے میں نے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں قرآن کریم میں سے سورہ ہود اس کی آیت کریمہ پڑھی ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
तूबू इलैह इन रब्बी रहीमुन वदूद। पहले इसका तर्जुमा समाप्त फरमा लीजिए ताकि बात की समझ आती जाए। और तुम ऐ तमाम लोगों जिन्हें मेरे महबूब से निस्बत हासिल है, तुम सब अपने रब के हुजूर इस्तिग़फार करो। लफ्ज मैंने क्या बोला? ये सबक है आपकी, आपकी क्लास है, आपने हर लफ्ज को सुनना भी है, सीखना भी है और आइंदा बोलना भी है। ये जो हम लफ्ज बोलते हैं ना, अस्तगफार अस्तगफार जी, लफ्ज बोलने में इसका ये मतलब है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, उसकी बारगाह में नादिम होके झुक रहे हैं। ये लफ्ज अस्तगफार नहीं होता, ये लफ्ज होता है इस्तिगफार। आगे जब हम पढ़ते हैं ना, उस वक्त कहते हैं हम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम पूछते हैं भी आप क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं अस्तगफार पढ़ रहे हैं। उस वक्त ये नहीं कहना, उस वक्त कहना है इस्तिगफार पढ़ रहे हैं। बोलिए जरा, इस्तिगफार। क्या पढ़ रहे हैं? इस्तिगफार इस्तिगफार। और जब पढ़ रहे हैं तो क्या कहना है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इन दोनों में ये फर्क याद कर लीजिए। तो फस्तगफिरु या वस्तगफिरु ये अमर का सीगा है, हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सब अपने रब के हुजूर इस्तिगफार करो। जब हमें ये हुक्म मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या तो ये पढ़ेंगे या सिर्फ यूं पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। यहाँ भी मैंने जो कलिमा पढ़ा, मैंने अस्तगफिरुल्लाह का लफ्ज अलग बोला और वह अतूबू का लफ्ज अलग बोला। सुना आपने? ये जो मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत रखी, इसमें भी मैंने कहा वस्तगफिरु रब्बकुम, तुम सब अपने रब के हुजूर इस्तिगफार करो। सुम्मा तूबू इलैही, फिर उसकी तरफ तौबा करो। अब मैंने क्या कहा? तौबा करो। पहले क्या कहा था? तो हम तो ये दोनों चीजें एक ही माने में बोलते हैं। हम अस्तगफार करो, अस्तगफिरुल्लाह, इसको हम तौबा कहते हैं। तौबा अस्तगफार ये हमारा खास डायलॉग है, तौबा अस्तगफार। ये तो खैर हमारी अपनी लैंग्वेज के वजह करदा लफ्ज है ना, गलत सलत कर लेते हैं, लेकिन मकसद हमारा ये होता है कि जो तौबा है वो इस्तगफार है, जो इस्तगफार है वो तौबा है। आज मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि तौबा क्या है और इस्तिगफार क्या है। इसके लिए नई बात होगी, एक्टिव रहना, एक्टिव फौरन मुझे रिप्लाई करना। किस किस के लिए नई बात होगी कि तौबा और है इस्तिगफार और है, यानी मैक्सिमम लोगों के लिए ये नई बात होगी। फिर मुझे लगता है कि आप उतनी ही दिलचस्पी से सुनेंगे। आगे क्या है? सुम्मा तूबु इलैह, फिर उसकी तरफ तौबा करो। इन रब्बी रहीमुम वदूद, इसलिए इस्तिगफार करो, इसलिए तौबा करो कि मेरा रब तहकीक बेशक बिला मुबालगा यकीनन मेरा रब बड़ा ही रहम करने वाला और बड़ी मोहब्बतें करने वाला है, बड़ी मोहब्बतें करने वाला और बड़ा रहम करने वाला। तो आगे जो दो लफ्ज मैंने बयान किए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यानी हदीसे पाक के अल्फाज, इसी से रिलेटेड आपकी खिदमत में पेश किए। उसमें इरशाद क्या हुआ? अत्ताइबु हबीबुल्लाह, अत्ताइबु हबीबुल्लाह। बोले बोले, बरकत से बोले ताकि बरकत के साथ याद हो जाए। अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तर्जुमा सुनेंगे तो खिल उठेंगे। तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। खुशी हुई कि नहीं? अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है। तो हमने
कोई कीमती चीज़ लाई, हमें उसके लिए बर्तन चाहिए, डालने के लिए, संभालने के लिए, सेव करने के लिए या खाने के लिए, बर्तन ही चाहिए होगा। इनमें से कोई भी काम करेंगे तो बर्तन ही चाहिए होगा। तो आप किचन में जाके जला सड़ा पतीला, गंदा जग, कोई गंदा ग्लास उठा के उसमें वो कीमती खाने वाली चीज, पीने वाली चीज डाल लेंगे? नहीं। क्या मसला है आपको? क्यों नहीं डालेंगे? गंदा क्या है? मतलब आपने ही उसने उसमें कुछ ना कुछ खाया होगा ना भाई, तो आप उसी में और भी कुछ डाल के खा ले, तबीयत नहीं मानती ना। मीठी चीज वाले बर्तन में नमकीन चीज डाल के थोड़ी सी लोग खाते हैं, इसी तरह सालन वाली प्लेट में जर्दा डाल के बहुत थोड़े लोग खाते हैं। तो वहां हमारी निफासत बेदार हो जाती है। हम अपने हाथों से खरीदी हुई थोड़ी सी कीमती चीज डालने के लिए साफ या नए बर्तन का एहतमाम करते हैं, किसी गंदे बर्तन में, इस्तेमाल शुदा बर्तन में हम वो चीज़ डालना पसंद नहीं करते। उसका फ़ायदा भी बाज़ूकात ख़त्म हो जाता है और बाज़ूकात उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है, बाज़ूकात देखने वाले को बड़ा ऑकवर्ड लगता है, ये क्या तरबियत है और ये क्या नफासत है, ये सब गलत होता है। कायनात में महंगी से महंगी चीज़ों से महंगी तरीन चीज़ अल्लाह की तवज्जो और उसकी रहमत है। हमारा ये एहतमाम इस कोर्स का अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, यानी हमने अपने दिलों में उसको दाखिल करना है। ज़रा नज़र झुकाइए, देखिए ये बर्तन जिसमें हमने इंतहाई कीमती चीज़ को डालना है, ये साफ है? साफ है? लगे साफ? जिस जिस को लगे वो हाथ खड़े कर दे। साफ लगे? नहीं लगा, हमने साफ छोड़ा ही नहीं हो, लगेगा कैसे? अच्छा, अब वो साफ ना हो और हम चल पड़े उसको अल्लाह की रहमतों का, बख्शिशों का, माफियों का मरकज बनाने के लिए, मुमकिन होगा? अल्लाह की रहमत, अल्लाह की निफासत और उसकी चीज़ की वैल्यू और कीमत क्या वो बर्दाश्त करेगी कि गंदे दिल में आ जाए? और अगर कभी गंदे बर्तन में कोई चीज़ ऐसी जो सेंसिटिव हो, दूध ही ले लें, हमारी ज़ुबान में दूध को अल्लाह का नूर कहा जाता है। ये नूर जो आपकी भैंस के थनों से होके निकले, वो तो गंदे गिलास में डाला ना जाए, और सीधा नूर जो रब की बारगाह से आए वो गंदे दिलों में डाला जाएगा? नहीं ना। तो फिर अगर बर्तन ऐसा हो जिसको धोने से साफ हो जाए तो धो लिया जाता है, अगर कोई लिक्विड वगैरह, कोई सर्फ, कोई साबुन, कोई कुछ लगा के धोना पड़े तब साफ होता हो तो वो लगाया जाता है, और अगर देगचा जल जाए चूल्हे पे फिर तो मांझना पड़ता है, मांझे बगैर साफ। हमारे दिलों की हालत क्या है? सिर्फ पानी से धुल जाएंगे या फिर ये सिर्फ कोई छोटी मोटी किसी लिक्विड चीज से धुल जाएंगे या फिर मांझने पड़ेंगे? मांझने पड़ेंगे। तौबा है दिलों के मांझने का नाम है, और रमजान है अल्लाह की रहमत, उसकी बख्शिश और दोज़ख़ से आज़ादी जैसी बेशबहा चीज़ों को अपने दिलों में डालने का नाम। तो बर्तन तैयारी नहीं है, आज हमें बर्तन को मांझना है। बर्तन के मांझने का नाम है तौबा। और तौबा क्या है, इसके अपने माने क्या है? तौबा तौबा तौबा, सारी ज़िंदगी तौबा तौबा, आप किसी को कुछ भी करते देखे तो तौबा तौबा करते घर आ जाते हैं।
आपकी मर्जी है, जिस पे मर्जी आप तौबा तौबा कर लें, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ। सारी ज़िंदगी इसी तरह ही तौबा तौबा करके गुजर जाती है, फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। आज आपको तैयार होना है सच्ची तौबा के लिए, और सच्ची तौबा किसे कहते हैं, उसके माने को पहले समझेंगे तो सच्ची तौबा नसीब होगी, तो उसके बगैर ही हो जाएगी। हाँ, हमने अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करना है और सच्चाई के साथ। अब मैंने वो आपको लाके नहीं देनी सच्चाई, सच्चाई और झूठ दोनों आपके अंदर हैं। अब आपने देखना है कि दोनों में से क्लिक किस पे करना है, सच्चाई पे या झूठ पे, मुनाफ़त पे या सदाकत पे। आप फौरन सोच लें, फैसला करके उस पे क्लिक करके तैयार हो जाए, मैं आगे चलती हूँ। फटाफट बोलिए सच्चाई पे। दूसरों को बोलते सुन के तो नहीं बोला कि सच्चाई पे, आप सबके दिल की आवाज यही है। फिर इस आवाज के साथ, इन जज्बात के साथ, हमें पहले अपने रब के हुजूर मुतवज्जे होके अर्ज करना होगा, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला। अब आप आमीन करें या ना करें, मगर आप दिल को वहां ले जाएं, दिल की आवाज को वहां ले जाएं जो मैं कहना चाह रही हूं। मैं अपनी कैफियत अपने रब के हजूर पेश कर रही हूं, आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। अगर आप ये चाहें कि वाकई हमारी ऐसी हालत है कि हमें भी ये अर्ज करना है, तो फिर अल्फाज के साथ साथ अंदर की हालत को चेक करते जाएं, सच्चाई कितनी बाहर आ रही है। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला, और मेरी साबिका हर खता मेरे मौला, जो कुछ भी पीछे मैंने जुल्म कर लिए, नाफरमानियाँ कर ली, गुनाह कर लिए, लोगों के दिल दुखा लिए, तेरी नाफरमानियाँ कर ली, तो मेरी साबिका हर खता मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला, तू कुदरत से अपनी बदल नेकियों से, तू कुदरत से अपनी बदल नेकियों से, हर एक मेरी लग्जिश खता मेरे मौला। और ए अल्लाह, मेरा दिल करता है हो कदमों में सरकार के जब मेरा सर, हो कदमों में सरकार के जब मेरा सर, तो ईमान पे उस दम उठा मेरे मौला। मौत आ जाए, जान निकल जाए, रूह परवास कर जाए, अब उसके बाद कौन सा मकाम मेराज होगा जिसके लिए मुझे जीना होगा? नहीं, उसके बाद मुझे जीना नहीं। मौला हो कदमों में सरकार के जब मेरा सर, तो ईमान पे उस दम उठा मेरे मौला। तुझे तो खबर है कि हर एक अपना जज्बा पेश करे यहां, तुझे तो खबर है मैं कितनी बुरी हूं, कोई नहीं जानता मेरे दाएं बाएं वाला, मेरे जानने वाले मुझे नहीं जानते, बस तू जानता है। तुझे तो खबर है मैं कितनी बुरी हूं, तो ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला। तुझे वास्ता तेरी रहमत का या रब, तुझे वास्ता तेरी रहमत का या रब, जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला। और तू मस्जूद मेरा, मैं साजिद हूं तेरा, तू मस्जूद मेरा यानी तू मेरा माबूद है, रब है, तू सजदा कराने के लायक है और मैं सजदा करने वाला तेरा बंदा। तू मस्जूद मेरा, मैं साजिद हूं तेरा, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला। तू मुहताज कर ना जहां में किसी का,
तो मुहताज करना जहां में किसी का, मुझे मुफलसी से बचा मेरे मौला। और मुझे भी दिखा दे तू जलवा नबी का, या अल्लाह मैं भी तेरे महबूब बंदों की तरह ये तड़प रखती हूँ कि मुझे भी दिखा दे तू जलवा नबी का। यही है मेरी इल्तिजा मेरे मौला, और मेरी ताक़यामत जो नस्लें हुई या रब, मेरी ताक़यामत जो नस्लें हुई या रब, हूँ सब आशिक़े मुस्तफ़ा मेरे मौला। मेरी ताक़यामत जो नस्लें हूँ या रब, वो सब आशिक़े मुस्तफ़ा मेरे मौला। तमाम तालिबात हिदायत इस्लाम जो हदीस पाक और आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, उसका तर्जमा तो मैंने आपको सुनाया। अब इस लफ्ज़ की तरफ आइए, इस्तिग़फ़ार क्या है और तौबा क्या है। पहले अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इस्तिग़फ़ार का जिक्र किया, बाद में तौबा का। आज आंख को तैयार रखें, जिस पानी से आपका बर्तन धुलना है वो इन आंखों से निकलना है, इसी पानी ने आपके दिल को मांज के साफ करना है। अब आप देख लीजिए कि जितने दिल गंदे हैं उतना पानी का इंतज़ाम कर लीजिए, उतना धोने का इंतज़ाम कर लीजिए, बनावट के लिबादे फेंक दीजिए, झूठी अना और झूठे दिखावों के लिबास फेंक दीजिए उतार के। बस ये समझ लीजिए कि इस वक्त आप और आपके रब के दरमियान कोई नहीं, और इससे बढ़कर कोई वक्त ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप सच्चाई के साथ सरेंडर कर दें अपने रब के आगे और सच्चे वादे कर लें कि या अल्लाह बस आज तू देख ले हमारी तरफ, इसके बाद आज की बरकत से वो तौबा करेंगे कि तेरी रहमत को भी रश्क आ जाए। तो इस आयत से सबसे पहले ये बात समझ लें, ये पता चला कि इस्तिग़फ़ार और चीज़ है, तौबा और चीज़ है। इस्तिग़फ़ार के है कहा वस्तग़फिरु रब्बकुम, आप तुम अपने रब के हजूर इस्तिग़फ़ार करो। जब इस्तिग़फ़ार कर लो सुम्मा, फिर इसके बाद क्या करो, तौबा करो। क्लियर हो गया ना जुमला, फिर उसकी बारगाह में तौबा करो। तो पता चला कि इस्तिग़फ़ार तौबा नहीं है बल्कि तौबा तक जाने का रास्ता है। इस्तिग़फ़ार के जरिए आपने तौबा के मकाम पे पहुंचना है, और वहां पहुंच के फिर तौबा करनी है, वो एक और चीज है। ये तौबा का वसीला है, ये तौबा का वास्ता है। अब है क्या इसका माना, क्या है इस्तिग़फ़ार का माना? है जो हम कर चुके जुल्म, ज़्यादती, गुनाह, नाफरमानी, बदतमीज़ी, ख़ताएँ, सगीरा कबीरा गुनाह, जो कुछ हम कर चुके हैं, उन सब से अपने दिल में शर्मिंदगी और निदामत, समझते हैं दोनों लफ्ज़ों को, शर्मिंदगी और निदामत, ये लेकर अल्लाह की बारगाह में सच्चा वादा करना, ये है इस्तिग़फ़ार। वादा करना ये क्या है? इस्तिग़फ़ार। याद रहेगा जी, और यानी ये वास्ता पेश करके अल्लाह के हजूर आना, थोड़ा सा और क्लियर कर देती है जुमला, ये वास्ता पेश करके अल्लाह के हजूर आके उसको पुकारना, नाम लेके, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब अल्लाहुम्मा, इन अल्फाज के साथ अल्लाह को पुकारना,
निदामत के साथ ये क्या होगा, इतना इस्तिग़फ़ार होगा, और निदामत शर्मिंदगी के साथ पक्का वादा करना, अहद करना अल्लाह से कि आइंदा नहीं करूँगा, ये तौबा होगी। अच्छा, अब कितनी पक्की तौबा जो काबिले कबूल है, कितनी सच्ची तौबा, उसका मायार क्या है? कभी भैंस का बकरी का दूध निकाला, निकलते देखा, जो ख़वातीन बैठी हैं उनमें से तो बहुत सी ख़वातीन दूध निकालती भी होंगी, और आप यंग जनरेशन में अगर कोई ऐसा नहीं करता तो दूध निकलता देखा? कभी ऐसा हुआ कि दूध फालतू हो जाए, ज़रूरत ना हो तो आपकी अम्मी या अब्बू वो दूध उठा के वापस थान में डाल दें? क्यों भाई, संभाला रहेगा ना, क्यों नहीं डालते? जा ही नहीं सकता। कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी, कोई आला ना आज तक कोई इजाद कर सका और ना कयामत तक कोई कर सकेगा कि थन से निकला दूध वापस चला जाए, कितना नामुमकिन है। कितनी छोटी सी बात के साथ मेरे आका ने कितनी बड़ी हकीकत समझा दी, फरमाया कि क़यामत तक लगे रहो तो थन के अंदर दूध का कतरा वापस नहीं डाल सकते। जितना ये नामुमकिन है, जितना ये इम्पॉसिबल है, इतना ही तौबा करने के बाद उस बंदे के लिए गुनाह करना नामुमकिन हो जाए, क़यामत तक फिर जिससे माफ़ी मांगी है दोबारा गुनाह ना कर सके, इसको कहते हैं सच्ची तौबा। इसको कहते हैं सच्ची तौबा, ये पक्की तौबा, ये सच्ची तौबा है। और आयत के अंदर ये कहा गया वस्तग़फिरू, ठीक है भाई, बख्शिश मांगो मांगो मांगने लग गए, इतना ही कह देना काफी था, समझ आ जाती है ना इतनी बात से। कुरान ने कहा वस्तग़फिरू रब्बक, अपने रब से, अपने रब को रब कह के इस्तिग़फ़ार करो और फिर उसी का नाम लेके तौबा करो, फिर तुम्हें पता चलेगा तौबा क्या चीज़ होती है, अल्लाह के हाथ से तुम्हें रिस्पांस क्या मिलता है उसका। ऐसा क्यों कहा? बंदा बड़ा हो या छोटा, बच्चा हो या जवान, जवान बच्चा जो माँ का बच्चा है वो बेशक खुद साहिब औलाद ही क्यों ना हो जाए, माँ के लिए बच्चा है ना, बेटा है उसका या बेटी है, जब उससे गुनाह होता है, उससे गुनाह कोई किसी उस्ताद का भी हो सकता है, मोहल्ले के किसी साथी का भी हो सकता है, किसी रिश्तेदार से भी ज्यादती हो सकती है और माँ बाप से भी हो सकती है, लेकिन जो माफ़ी मांगने का उसका तरीका माँ बाप के सामने होता है वो खुद पोते पोतियों वाला हो जाए, और जब माँ बाप के सामने उसे उनकी कदर की समझ आ जाती है और उनके सामने झुकता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि मैं खुद बेटों वाला पोतों वाला हूँ, बल्कि वो क्या करता है, वो जाके सीधा बाप और माँ के घुटने पकड़ के चीख चीख के और मिन्नत तो समाजत के साथ कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दे, अब्बा मुझे माफ़ कर दे। जब उसके दिल की गहराइयों से माँ का लफ्ज निकलता है तो उसने जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए होना, माँ फौरन उसे सीने से लगा देती है और बाप भी उसे माफ कर देता है। बाप ये समझता है कि ये जो लफ्ज मुझे कह रहा है, बाप पूरी कायनात में ये चला जाए, बागी हो जाए, सरकश हो जाए, मोहब्बत करने लग जाए, कुछ भी कर जाए, मेरे सिवा पूरी कायनात में इसका बाप कोई नहीं। माँ भी ये समझती है कि मेरे सिवा इसकी माँ कायनात में कोई नहीं, तो वो जिस सच्चाई के साथ फिर माफी मांगता है उस वक्त फिर बाप की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं, माँ की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। कभी देखा किसी औलाद को माफी मांगते, सच्ची माफी देखा कभी? अगर नहीं देखा तो देखिएगा, बड़े को नहीं देखा तो छोटे बच्चे को तो देखा होगा ना, माँ जब मारती है ना बच्चे को, मना करती है कि आज के बाद तूने ये चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी, बच्चा नहीं मानता वो फिर करता है, फिर गलत काम करता है, माँ फिर उसे मारती है। माँ जब मारती है तो बच्चा चीखता हुआ बाहर नहीं भागता,
वो रोता जाता है, चीखता जाता है, मार खाता जाता है, मां की टांगों के साथ लिपटता जाता है। और थोड़ी सी समझ बूझ वाला अगर होता है तो मार भी खाता जाता है, फिर हाथ जोड़ के माफी मांगता है, अम्मी मुझे माफ कर दे, अम्मी आज की बात नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। ये होती है सच्ची तौबा। उस वक्त कौन सी संगदिल माँ होती है जो माफ नहीं करती? होती है कोई? नहीं। तो रब खुद फरमाया कि ये जो तेरी माँ जिसकी मोहब्बतों पे तुझे इतने दावे हैं और उसके बराबर तेरे साथ कोई मोहब्बत करता नहीं है, ये सिर्फ एक माँ है और उसे बनाने वाला भी मैं हूँ। उसके अंदर जो तेरी ये शफकत और मोहब्बत डाली है वो भी मैंने ही डाली है। तो मैं रब हूँ जिसने तुझे बनाया है, दस्ते कुदरत से बनाया है। तो माँ आपको दस्ते कुदरत से नहीं बनाती, अल्लाह के हुक्म से मखसूस प्रोसेस के साथ। माँ तो पाबंद है अल्लाह के हुक्म की, वो 9 महीने आपको पेट में लेके फिरती है, केयर करती है, इलाज करवाती है, तकलीफ बर्दाश्त करती है और अल्लाह की कुदरत से बच्चा अपने वक्त में पैदा हो जाता है। माँ बनाती तो नहीं ना, और रब ने बनाया। और जब माँ कुछ बना लेती है ना, फिर घर बार की सख्ती आ जाती है, वो अपनी बनाई हुई चीज को हाथ नहीं लगाने देती, उसके साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करती, चाहे उसने अपने दुपट्टे का एक फूल ही क्यों ना बनाया हुआ हो, है कि नहीं। वो चीख चीख के बताती है कि तुझे ये कदम है कि तेरी माँ ने एक एक टांका लगा के तेरे लिए चीज बनाई, सिलाई की, तेरे लिए फला खाना बनाया, मैंने अपने हाथों से दिन रात एक करके तेरे लिए इतनी मेहनत की। कितनी बार माँ जिताती है, जब बच्चा बदतमीजी करता है माँ जिताती है, जब बच्चा बदतमीजी करता है उसने वो छोटी छोटी चीजें बनाई होती हैं और उनके साथ ज्यादती उससे बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे और आप सबको तो रब ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, फिर सोचिए कि उस रब को ये बर्दाश्त होता है कि हमारे साथ ज्यादती हो? क्या उस रब से ये बर्दाश्त होगा कि हम आग में जाके जल के कोयले बन जाएं? और जब हम उस रब की रहमत के दामन से लिपट कर ये कहेंगे या अल्लाह या रब, ए मेरे करीम मालिक, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे, मैं सच्ची तौबा करती हूँ, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, बताइए उसकी रब की रहमत कितने जोश में आएगी। और जब वो रहमत जोश में आएगी तो फिर ये रहमत हमें किस शान के साथ मिलेगी? अगर आपकी तौबा सच्ची है, आप कौन बन गए? अत्ताइबू हबीबुल्लाह। बंदों में तो आपको कोई मुंह नहीं लगाता, कोई बात नहीं करता आपके बुरे अमाल की वजह से, आपके बुरे किरदार की वजह से, आपके बद अफाल की वजह से, मगर जब आपने रब से ताल्लुक जोड़ा तौबा का और रब ने उसे कबूल किया तो कहा वो वक्त गए जब तू मेरा नाफरमान बंदा था, अब मैंने सिर्फ तुझे बर्दाश्त नहीं किया, तुझे अपना महबूब बना लिया। सच्ची तौबा जो है वो इंसान के सारे गुनाह धो डालती है। क्या करती है? धो डालती है। लेकिन अब ये देखना है कि वो जब तौबा हमारे गुनाहों को धो डालती है तो उसकी कैफियत क्या होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ाते अक़दस की जिसके कब्ज़े कुदरत ने मेरी, यानी रसूलुल्लाह फरमा रहे मेरी जान है, लौ अख़्तअतुम हत्ता तमला खतायाकुम मा बैन अस्समाई वल अर्द, लोगो तुम इतने गुनाह कर लो, इतने गुनाह कर लो कि जमीन से लेके आसमान तक ये जो तुम्हें गैप नजर आ रहा है ये सारा तुम्हारे गुनाहों से भर जाए। यानी एक चीज डैम करने वाली हो, ढेर लगाने वाली हो, तो इतना ढेर लगेगा कि यहां से लेके आसमान तक वो भर जाएगी सारी जगह। इतने गुनाह भी अगर तुमने कर लिए फिर क्या हुआ? सुम मस्तगफर तुम, फिर तुम इसके बाद इस्तिगफार करो,
फिर तुम्हें ख्याल आ गया कि मेरा कोई रब है, तुम इस्तिग़फ़ार करो। किससे? अल्लाह, अल्लाह से। ला ग़फ़र लको, ला ला, ये जो ला है ये यकीन का ला है, ये ताकीद का ला है, कि सिंपल बात ना समझना। ला ग़फ़र लको, पक्की बात है, हकीकी बात है कि रब तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर। लेकिन मैंने शुरू में क्या कहा कि या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, ऐसा कहने से सारी तौबा नहीं होगी। ये हमारे अंदाज है, डायलॉग है। हमें पहले सीखना होगा कि तौबा होती कैसे है। और ये तो आपने समझ लिया कि जब तक तौबा ने हमारे दिल के बर्तन को साफ नहीं करना, इस कोर्स का, इसके बाद की तैयारी का और रमज़ान के हर दिन और हर रात का, हमें वो फैज़ नहीं मिलने वाला जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन में तौबा पर गुफ्तगू हमारे लिए ज़रूरी है। आज के दिन अपने बर्तन को मांजना हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप उठते हैं तो कितना मांज के उठते हैं और कितना गंदा छोड़ के उठ जाते हैं, या फिर कोई भैंस आपने ऐसी रखी हुई है कि जहाँ से दूध निकलेगा तो आप उसको वापस डाल देंगे तो काम बनता रहेगा। तो फिर तौबा का रास्ता एक ही है, जो रास्ता गाय और भैंस के थन का रास्ता है। आपने अगर सच्ची तौबा का मायार देखना है तो जिस तरह वो मुमकिन नहीं, इस तरह अगर आपकी सच्ची तौबा है तो फिर ये मुमकिन नहीं रहेगा कि आप जो गुनाह, जो बदतमीजियाँ, जो बदअमालियाँ, जो शरीयत की खिलाफ वर्जियाँ तौबा से पहले करते थे वो फिर करने लग जाएं। तो इसका ये मतलब होगा कि आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि आपने दूध थन में डाल लिया है। और अगर आपने माना कि नहीं डाल सकता तो फिर तौबा का तकाजा ये होगा कि पलट कर मौत आ जाएगी वो गुनाह दोबारा। हाँ, ये नहीं कि आप कोई बड़े नूरानी बन जाएंगे और बड़े पावरफुल बन जाएंगे, नहीं। कदम कदम पे शैतान, नफ्स, दुनिया की खूबसूरतियाँ, ये सब आपके रास्ते में आके खड़ी होंगी। वो आपको फिर बहकाएंगी कि खैर है, एक दफ़ा फिर कर लो, फिर तौबा कर लेना, फिर कर लो, फिर तौबा कर लेना। अल्लाह तो कबूल करेगा, मगर आपकी सच्चाई तो टूट गई ना। अब वहाँ फिर शैतान से जंग शुरू हो जाएगी, फिर नफ्स से जंग शुरू हो जाएगी। आपका क्या काम होगा? आपका काम ये होगा कि जब तौबा टूटने लगे, शैतान हावी होने लगे, नफ्स गालिब आने लगे, फौरन सोच लीजिए कि मैंने तो पक्की तौबा की है। जब आप ये करके अपने अंदर कपकपी महसूस करें, आपके अंदर डर लगे कि मेरी कमिटमेंट किसी बंदे से नहीं हुई, बंदू के खालिक से हो चुकी है, तो मैं इतनी जुरत कैसे कर सकती हूँ कि मैं फिर से वो गुनाह करूँ। बस आपके हकीकत से ये सोच कर डरने की देर होगी, रब आपको गुनाह से बचा ले, ये पक्की बात। लेकिन अगर आपने मौके को गनीमत जाना और नफ्स के और शैतान के धोखे में आके कहा कि चलो अभी तो खैर है, फिर तौबा कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, वो तौबा फिर तौबा नहीं होगी, वो टूटती रहेगी, टूटती रहेगी, टूटती रहेगी। कोशिश करना आपका काम होगा, उसको पूरा करना अल्लाह की जिम्मेदारी होगी। तो अब जो तौबा होती है, जिस तरह के बंदे होते हैं उनकी तौबा भी वैसी होती है। बंदे सारे बराबर होते हैं? हाँ या ना? बराबर होते हैं? इल्म में, अमल में, तकवे में, तहारत में, गुनाह में, खताओं में बराबर होते हैं? नहीं। तो फिर तौबा भी तो बराबर नहीं होगी ना। तौबा का दर्जा भी बंदों के मुताबिक होगा। मसलन कुछ लोग हैं, आम लोग हैं, पब्लिक, उनकी तौबा क्या होगी? उनकी तौबा होगी कि जो गुनाह उनको पता चल गए कि ये गुनाह थे। मसलन आपको ये पता नहीं था कि नमाज का कितना गुनाह है, किसी आलिम की सोबत में बैठे उसने आपको डिटेल में बता दिया कि इसका इतना गुनाह और इतना जुल्म था, आपको खौफ आया, डर लगा, आपने सच्ची तौबा कर ली और कभी नमाज छोड़ी नहीं, ये आपकी तौबा, आम बंदों की तौबा हो गई। इसी तरह बाकी गुनाह को देख लीजिए,
माँ बाप की नाफरमानी की, पहले नहीं पता था, पता चल गया कि माँ बाप का रुतबा क्या है, तौबा की और उसके बाद कभी नाफरमानी नहीं की, ये आपके अमल की तौबा हो गई। फिर दूसरी किस्म है खासों की तौबा। किसकी? खासों की तौबा। आम बंदे के लिए हुक्म है कि वो हराम काम ना करे, वाजिब ना छोड़े, फर्ज ना छोड़े, और इसके ऊपर का जो दर्जा खास है ना, खास का दर्जा ये है कि वो मकरूह काम भी जिंदगी में ना करे, वो उससे भी बचे, उसके करीब भी ना जाए, अपनी नफल सुन्नत फर्ज इबादतों में कभी कोताही ना करे, सुस्ती ना करे, गलत एक है नमाज पढ़ना ही ना, ये है आम लोगों का गुनाह। और नेक लोगों का गुनाह क्या है कि उनकी नमाज में अगर सुस्ती भी आ गई, सुस्ती क्या, दिल नहीं कर रहा, ऐवें ही बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, पढ़ के आ गए, दिल नहीं कर रहा, अभी पढ़ लेती हूँ, अभी पढ़ लेती हूँ, अभी पढ़ लेती हूँ, करते करते वक्त आखिर हो गया, ये क्या है, ये खास लोगों का गुनाह, उनकी इससे भी पकड़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप इदारे में है ना, आपके लिए एक मिसाल को समझना जरूरी है। आप स्टूडेंट हैं, आपके पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स भी होते हैं, एक ही जगह पे आते हैं इदारे में, एक ही वक्त होता है सबके आने का। आप क्लास से छुट्टी करें, आपकी पूछ किस कैसी होगी और जो उस्ताद करेगा उसकी कैसी होगी? उस्ताद की थोड़ी सी देर, थोड़ी सी गलती अमल की, तरबियत की, ताखीर करने की, वो ज्यादा काबिले गिरफ्त है। क्यों? उसकी गलती, उसकी कोताही, उसकी कम अमली पूरी क्लास के ऊपर असरअंदाज हो रही है। और स्टूडेंट अगर करेगा तो स्टूडेंट की इस वजह से कम होगी कि उसका नुकसान ज्यादातर उसकी अपनी जात पर है। फर्क आ गया ना, दर्जे का फर्क समझा आपने कि नहीं? ये मैंने आम सी मिसाल दी है, इसके लिए बहुत सी मिसालें और भी हैं। एक आम बंदा है, एक खास बंदा है, एक दुनियादार है, एक नेक परहेजगार बंदा है, तो दोनों की तौबा का तरीका और दोनों की पकड़ अपने अपने मुताबिक हो। नेक बंदे को अल्लाह नफल छोड़ने पे भी पकड़ लेगा, और आम बंदा जो है वो गैर मौकदा सुन्नतें भी ना पढ़े, नफल भी ना पढ़े, वो सिर्फ मौकदा सुन्नतें और फर्ज पढ़ ले, अल्लाह उससे इतने पे भी राजी हो जाएगा, चलो कर तो रहा है ना कुछ। पकड़ में फर्क आ गया ना। और जिसने दावा किया था कि मैं नेक हूं, मैं परहेजगार हूं, मैं लोगों से ऊपर के दर्जे पे हूं, तो फिर पूरे करें ना तकाजे उसके। अब पकड़ तो होगी कि दुनिया में तू मेरा मुकर्रब बनता है तो मुकर्रबों का हाल ये होता है, फिर उसके तकाजे भी पूरे कर, फिर उसी के मुताबिक उसकी तौबा भी वैसी होगी। अब एक दर्जा और है, वो है जो खासों में से भी चुने हुए खास होते हैं। ये सबसे ऊपर का दर्जा है, खासों में से भी जो खास होते हैं। ये जो तीसरा दर्जा है ना, इसे कहते हैं खवासुल खवास। अगर एक है तो खासुल खवास, ज्यादा है तो खवासुल खवास। ये मकाम अल्लाह के नबियों का हुआ करता है, उससे नीचे के लोग जो होते हैं वो खास होते हैं और उससे नीचे वाले आम होते हैं। समझ आ गई? अब सबकी तौबा भी, हजूर नबी अलैहिस्सलाम क्यों फरमाते थे कि मैं रोज 100 बार इस्तिगफार करता हूं, आज यहां समझे उसकी क्या वजह थी। आम बंदा जब सुनता है तो हैरान हो जाता है कि नबी इस्लाम को भाई इस्तिगफार की क्या जरूरत है। अब समझ आई कि क्या जरूरत है? हर बंदा अपने मकाम पर गिरफ्त किया जाएगा और वो उस मकाम से और ऊपर जाने के लिए क्या करता है, और मेहनत करता है, और मोहब्बत को बढ़ाता है, और रियाजत को बढ़ाता है। अल्लाह के मकामात की गिनती नहीं है, कुरब दर कुरब दर कुरब दर कुरब, हत्ता के दाना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी और अदना का मकाम मिल जाता है। मकामात की कोई लिमिट कोई हद नहीं, तो जितना जिस मकाम के कोई आगे बढ़ता जाएगा वहां से थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो पकड़ हो जाएगी। और आम बंदा उस जैसे हजारों गुनाह कर ले, कोई पूछेगा ही नहीं। तो ये तौबा का फर्क सामने आ गया। आपके जहन में अगर कोई सवाल आए तो आप वो पूछ भी सकते हैं, जहां पे आपको किसी किस्म की समझ ना आ रही हो, या आपकी क्लास है और आपको इसका पूरा इख्तियार है कि कोई चीज मजीद समझना चाहें तो उसका सवाल भी कर सकते हैं।
अच्छा अब बताइए कि तौबा का जो मकाम है उस पर इतनी तफसील मैं क्यों बयान कर रही हूँ। हमारे नज़दीक तौबा की तरफ तो ध्यान कोई नहीं होता, हाँ नेकियों की तरफ ध्यान होता है। गौर करके बताए ठीक है कि गलत। ये जो ठीक है इस दाल में कुछ काला लगता है, जब किसी के ठीक की आवाज ही नहीं निकली मैं कैसे समझूं ठीक है। क्या पूछा मैंने ठीक और गलत? क्या अच्छा आप मुझे बताइए ना, रमजान में हम क्या करेंगे? तस्बीह, कुरान शरीफ, नफल, और जो ही दाव लगेगा कोटा पूरा वो तो नहीं छोड़ेंगे हम। तस्बीह जरूर इजाफी पढ़ लेंगे, सिपारे भी दो तीन पढ़ लेंगे, लेकिन जो ही दाव लगेगा हजार बार अगर मना किया जाएगा। देखा यहां तक भी जाता है कि इतना एहतमाम करके, इतनी महंगाई में गाड़ियों के किराए देके, रोजे की मुशक्कत बर्दाश्त करके, जब खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह आती हैं बहुत से गुनाहों से बचती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ हा शुक्र है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देने लगी हूँ, वहां से ही हमें दो चार बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो सारा सुन सुना के सीख के उठेंगे ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया ना, गाड़ी पे चढ़ने के लिए किसी ने पहले पैर रख लिया और वो पीछे रह गई तो सीधी गाली आएगी पीछे से। अब यहां नेकी ये नहीं थी जो हम करके आए हैं, उससे बड़ी नेकी ये थी कि अब उसकी ज्यादती को बर्दाश्त करके जुबान को ताला लगा दो। और ये नेकी और गुनाह से बचने वाला काम जो है, कोई आपके सामने किसी की गीबत कर रहा है तो आप अपने आप को सियाना पता कब समझते हैं? जब उसके नॉलेज में इजाफा करते हैं। जब आपको कोई किसी की बुराई बताता है ना कि फलां बंदा ऐसा है, फलां औरत ऐसी है, बड़ी वो नमाजन तो बड़ी महाजन, तो काम इसके देखें, तो आगे से अपने आप को बड़ा सियाना समझते हुए ना ये शो करने के लिए कहते लेते हैं, नहीं गलत का पता है मैंने तो और भी पता है। अब ये किसी को नहीं लगता कि ये गुनाह है, हत्ता के इस गुनाह ने खुदा ना करे हो सकता है कि आपकी चार घंटे की नेकी पे पानी फेर दिया हो। क्या कमाया, क्या कमाया? कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान कर लिया। हमें समझना यह है कि पावरफुल नेकी क्या है। आज आप इसको समझने के लिए मुकम्मल होश में और मुस्तैद होके बैठिए। असल नेकी ये नहीं है कि आप रोजाना 10,000 दुरूद शरीफ पढ़ लें और शाम को शोहर से लड़ाई करके सो जाएं। असल नेकी ये नहीं है कि आप चार सिपारों की तिलावत करें और जो ही बच्चे घर आए बात ना माने चार उसको लगाए रोजे की हालत में, चार उसको लगाए, दो गालियां देके उन्हें कमरे में जाकर बंद कर दें, या कोई और इस तरह का गुनाह कर लें, या कोई पड़ोस में जरूरतमंद बंदा आपके घर में आ गया, आप बैठ के नफल पढ़ रहे थे, कजा नमाजें पढ़ रहे थे, कितना बड़ा नेकी का काम है। वो कोई जरूरतमंद आया, उसने आके कहा कि भाई आज बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मेरे शोहर ने पैसे लाने थे नहीं लाए, तो मुझे दो चार दिन के लिए इतने पैसों की जरूरत है, मुझे उधार दे दो, या मेरे घर में ये चीज चाहिए वो मुझे कुछ दिनों के लिए दे दे मैं वापस कर दूंगी। उधर ही कुरान शरीफ के आगे बैठे बैठे कहा ना भैन साढ़े घर ते आई कोई नहीं। ये नेकी है, बताइए ये नेकी है? कुरान शरीफ को आगे रख कर आप तस्बीह पढ़ रहे थे तो उसको आगे रख कर, आप जाए नमाज पे बैठे थे तो उसको आगे रख कर, आपने जो झूठ बोला झूठ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान झूठ बोलता है उसके अंदर से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ते उससे दूर दूर चले जाते हैं, उसके करीब खड़े नहीं होते। अगर वो बदबू फरिश्तों की जगह पे हमें आने लगे ना तो हम किसी से बात भी ना करें, किसी के घर में भी ना जाए, और घरों में भी कोई बंदा एक दूसरे के पास ना बैठे। आज कौन है जो झूठ से बच के जिंदगी गुजार रहा है? तो हमने तो समझा था हम चार सिपारे थोड़े पड़े, इतनी तस्बीह थोड़ी पड़ी है, हमने इतनी नेकी की है रोजे की हालत में, मगर इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। आज आपको सीखना यह है
कि उस नेकी से बड़ी नेकी क्या है? उस नेकी से बड़ी नेकी है गुनाह पे चेक रखना, कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, हराम और गुनाह के काम की तरफ ना जाना, सच का दामन ना छोड़ना, हक का दामन ना छोड़ना, और दीगर वो काम जो आपको नेकी की तरफ ले जाते हैं उनको करना, और जो बुराई की तरफ डालते हैं उन पे रुक जाना। अब ये जो सूरत हाल है ये उस नेकी से भी ज्यादा ताकतवर है, जो आप दो दो चीजें साथ लेके चल रहे हैं ना, गुनाह भी और सवाब भी। तो गोया क्या कर रहे हैं, आपने वो थैला उठाया हुआ है जो नीचे से फटा हुआ था और घर से चलते हुए देखा ही नहीं था, तो माशाल्लाह से आप सामान लेते हैं, शापर उसके अंदर डालते हैं, आगे जाते हैं थोड़ी देर, फिर कुछ और लेते हैं डालते हैं और उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। तो मार्केट से जब बाहर निकलते हैं तो खाली थैला लटक रहा होता है, जो खरीदा, जिस पे पैसे खर्च किए, जो वक्त लगाया, वो सारा तो खत्म हो गया। आपके पास सिला हुआ थैला होना चाहिए, और सिला हुआ थैला कौन सा है कि हमारी नेकियों से ज्यादा तवज्जो गुनाह से बचने की तरफ होनी चाहिए। जब आप गुनाह से बचेंगे तो आपका थैला सिला रहेगा, और थोड़ी सी नेकी भी आप डालेंगे उसके अंदर महफूज रहेगी, और थैला फटा हुआ हुआ तो बहुत बड़ी चीज भी आपने उसके अंदर डाली तो वह नीचे से गायब हो जाएगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सुनिए, हजरत अबू अब्दुल्ला इंताकी रहमतुल्ला अलैह आप फरमाते हैं, एक गुनाह को छोड़ देना, गीबत गुनाह है, चुगली गुनाह है, झूठ गुनाह है, गैर महरमों से मोहब्बत करना, बातें करना ये गुनाह है, घर के अंदर बिला वजह लड़ाई झगड़े पैदा करना ये गुनाह है, और ऐसी बेशुमार गुनाह की चीजें हम समझते हैं। तो आप फरमाते हैं कि एक गुनाह इन में से छोड़ा और आपने पक्का छोड़ दिया। ये बात याद रखिए कि यूं बैठे बैठे गुनाहों की फहरिस्त को हम काट नहीं सकते, हम उन पे क्रॉस नहीं लगा सकते। आपको एक एक करके चीजें छोड़नी होंगी और उनको मुकम्मल छोड़ने के लिए वक्त लगेगा, बस इस्तेकामत चाहिए होगी। सोच लें, आज ये छोड़ना है, कल वो छोड़ना है, परसों वो छोड़ना है, हफ्ता पूरा इस पे मेहनत करनी है, महीना पूरा इस पे मेहनत करनी है, नो प्रॉब्लम, आप मेहनत कीजिए, आप एक बात को पल्ले बांधे, बस भाई आज से मेरा वादा, ग्रुप बना लें साथियों के अंदर, वादा कर लें, एक दूसरे से रोज रिपोर्ट ले लें, क्या कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। शाम को सोचे मैंने झूठ बोला कि नहीं, नहीं बोला तो करोड़ बार अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगले दिन फिर झूठ नहीं बोलना, पूरा दिन चेक रखें, शाम को चेक करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तीसरा चौथा जितने दिन आपने मुतय्यन किए थे बस सिर्फ उस पर फोकस करें, बाकी चीजें जैसे चल रही हैं जानबूझ के मत चलाएं, अगर इत्तेफाकन चलती हैं तो चलती रहें, वो दिन पूरे हो जाए तो दूसरी चीज को टारगेट कर लें, सामने नहीं बैठे इस तरफ आ जाए। तो ये तरीका होगा, मैं बात क्या बता रही हूं, हजरत अबू अब्दुल्ला इंताकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक गुनाह को छोड़ देना हजार हज करने, कितने कोई सोच भी नहीं सकता, अब तो एक हज करने का सोच नहीं सकता, हजार का कौन सोचेगा, हजार हज करने, हजार जिहादों में जाके हजार बार जंग लड़ने, या शहीद हो जाने या गाजी होके वापस लौट आने, और एक हजार गुलाम कीमत देकर खरीद कर अल्लाह के लिए आजाद कर देने पर बंदे को जितनी नेकियां, जितने सवाब, जितनी बुलंदी दराजात मिलेगी उससे ज्यादा सिर्फ एक गुनाह छोड़ने पर मिलेगी। बताइए कौन सी नेकी ताकतवर है, बताइए, गुनाह छोड़ना। क्यों, नेकी करना बड़ा आसान है, गुनाह छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो जो काम जितना मुश्किल होता है सवाब उस पे ज्यादा मिलता है। नेकी करना आसान है, मैं अभी बात रोक के आप सबसे कहूं कि एक एक तस्बीह सब दुरूद पाक की पढ़े, मुश्किल होगा, कितनी जल्दी पढ़ लेंगे सब, नेकी हो गई कि नहीं हो गई,
अब मैं कहूँ आपसे कि आपने रमज़ान शरीफ की पहली महफिल तक जब आना है ना, हर रोज आपने 100 रुपया सदका करना है। और उस पे आपने उसके साथ तौबा करनी है, फिर आप कर लेंगे। बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाएंगे। अगर मैं ये कह दूं कि यकम रमजान में जब नेक्स्ट आपकी मुलाकात होगी, तब तक आपने अपने घर में सास के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी। आप बेटी हैं तो माँ के आगे जवाब नहीं देना, और माँ हैं तो बच्चों के साथ ज्यादती और जुल्म नहीं करना। पक्की बात है, कर लेंगे? नहीं, नहीं कर सकेंगे। कुछ ना कुछ होगा, आप पूरा गुनाह से नहीं बच सकते। ये तो सादा सी बातें हैं, गुनाह तो भी बहुत बड़े बड़े हैं जो हम करते रहते हैं। मैं कहूंगी कि आपने गीबत नहीं करनी इतने दिनों में, कोई नहीं इतने दिनों में बचेगा। बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो ऐसी बात जिसको बड़ा लाइट समझता है वो कर लेगा, पास से गुजरते हुए कुछ ना कुछ सुना जाएगा, आंखों से गीबत हो जाती है। हाँ, जब आपको अजीब लगता है ना कि कोई बंदा ऐसा बात कर रहा है, इसे तो नहीं, तो कैसे कैसे इशारे होते हैं, वो आंखों की गीबत होती है। तो बताइए कौन बचेगा? मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ? बात छोटी सी थी मगर मुश्किल है, यही वजह है। 10 वो क्या है, 1000 हज, 1000 जंगे लड़ना, 1000 गुलाम आजाद करना, ये आसान है, गुनाह से बचना मुश्किल है। इसलिए आपने फरमाया कि एक गुनाह से बचने पर इन सब के सवाब से रब आपको ज्यादा सवाब देगा। तो अब हमशीरान मोहतरम, हमारे लिए जो चीज जरूरी है वो है अपनी आंखों का वुजू करना, और फिर इन्हीं आंखों के पानी से अपने बातिन को साफ करना। और जो तौबा हमारी कबूल होने वाली है वो क्या है, और अब इस्तिग़फ़ार के बाद तौबा है क्या? तौबा का मतलब होता है पलट कर आना या रुजू करना। क्या? जी, तो अगर तौबा का लफ्ज़ बंदे की तरफ आएगा, इसका मतलब होगा गुनाह से पलट कर अल्लाह की रहमत की उम्मीद में उसके दरबार में आना। अगर तौबा का लफ्ज़ अल्लाह के साथ होगा तो उसका मतलब होगा अपनी रहमत के साथ अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे होना। फाइल तब्दील होगा तो माना तब्दील हो जाएगा। अगर बंदा फाइल है तो गुनाह से उसके बचने की तरफ इरादा करके, अहद करके अल्लाह की तरफ आएगा, तो ये बंदे की तौबा है। और जब अल्लाह सजा से रजू करके अपनी अता की तरफ आएगा और बंदे की तरफ तवज्जो फरमाएगा, ये अल्लाह की तौबा होगी। अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है और बंदा तौबा करता है। समझ आ गई? अच्छा, अब जो सच्ची तौबा है, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, सारे जुल्म करके, लोगों के दिल दुखा के, ज्यादतियां करके, लड़ाइयां करके अंदर आके कह दिए, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, काफी है? नहीं। हाँ, अगर आपने अल्लाह के हकूक में से कुछ ऐसा कर दिया है तो फिर तो वाकई अंदर कोठरी में जाके आप सर सजदे में रखें, सच्चे दिल से माफी मांग लें, एक मिनट नहीं लगेगा, अल्लाह माफ कर दे। एक तौबा का रंग ये होगा। मगर ये कब? जब आपने डायरेक्ट अल्लाह के हुक्म के साथ ज्यादती की है और उसकी नाफरमानी की है, तो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा सच्ची तौबा के साथ, सच्ची की तो मैंने तारीफ कर दी ना अभी, आप भूलेगी तो नहीं? जी, यानी इस कैफियत के साथ वो जब मेरी बारगाह में आता है, शर्म आती है उसे, निदामत होती है। उस्ताद के साथ आप गलत काम करें,
माँ बाप के साथ करें, बड़े बहन भाई के साथ करें, तो जब आपको शर्म नहीं ना आती, निदामत नहीं होती, अफसोस नहीं होता, तो फिर आप दूसरों के कहने पे माफी मांगने तो चले जाते हैं, मगर आपका चेहरा पत्थर होता है कि नहीं, आपके चेहरे के तासुरात कुछ नहीं बता रहे होते, आप वैसे ही लग रहे होते हैं पत्थर के पत्थर, मुझे माफी दे दे, मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। लेकिन जिस वक्त आपको ये ख्याल आता है कि मैं कैसा बदनसीब शागिर्द हूं, मैं कैसी बदनसीब औलाद हूं कि मैंने माँ बाप का दिल दुखाया, उस्ताद का दिल दिखाया, और जब आपके दिल के अंदर से ये एहसास पैदा होता है तो फिर क्या होता है, किसी के कहे बगैर आपकी आंखों से, बोलिए बोलिए, आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, आपका दिल भी रो रहा होता है, आपकी आंखें भी रो रही होती हैं। इससे पता चलता है कि वाकई आपको निदामत हुई, वाकई आपको अफसोस हुआ। हाँ, कभी कभार झूठे रोने वाले भी बड़े होते हैं दुनिया में, उनको भी हम भुला नहीं सकते। बाहर कह जो अक्सर पे हुक्म होता है वो ये होता है। अब अल्लाह के साथ तो ये मामला है, अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा अंधेरे में अलग अकेले में आया, मुझसे आके तौबा करने लगा, शर्मसार हुआ, नादिम हुआ, रोया, सच्ची माफी मांगी, उसकी आंख से आंसू निकला, अभी पूरा आंसू भी नहीं निकला, मक्खी देखी है, मक्खियों का मौसम आ गया, अब मक्खी देखी है, उसका सर कितना बड़ा होता है, कभी कभी तो ढूंढना पड़ता है उसका सर कितना सारा है। अल्लाह फरमा रहा है कि उस मक्खी के सर के बराबर उस शर्मिंदा होने वाले की आंख से जब आंसू निकलता है और उसका कुछ हिस्सा आंख से निकलकर उसकी गाल पे बह जाता है, बस जब वो गाल पे निकल आता है आंसू आंख से, उसी वक्त मेरी रहमत जोश में आती है और मैं आसमानों में ऐलान कर देता हूं कि मैंने इस बंदे को माफ कर दिया और मेरी माफी का नूर पूरे आसमानों में फैल जाता है। लेकिन इतनी आसान तौबा माँ की नाफरमानी की मत समझना, उस्ताद की नाफरमानी की मत समझना, बहन भाइयों के हकूक तलब करने की मत समझना, किसी को कत्ल कर दिया तो उसकी माफ़ी इतनी आसान मत समझना, बल्कि फिर आगे अल्लाह ने अपने ज़ाती हक के बाद दो हकूक दिए हैं, एक हक है शरीयत का, एक हक है बंदे का। ठीक है, शरीयत का हक क्या है समझते हैं, शरीयत के हक को समझते हैं या नहीं, नहीं समझते? शरीयत का हक है, मिसाल के तौर पे आपने नमाज पढ़नी थी, ये शरीयत का हक है ना, आपने नमाज नहीं पढ़ी, साल दो साल दस बीस पचास साल नहीं पढ़ी, अब आके समझ आई कि नमाज पढ़नी चाहिए थी, तो अब क्या होता है, अब लोग कहते हैं अल्लाह माफ करने वाला है, तो वो पिछली माफ कर देते, अगू पढ़ते रहोगे, ठीक है, नो, ये माफी नहीं, इस माफी का ये जाबिता नहीं है, अल्लाह ने इसकी कजा आपके लिए लाजिम करार दी है, इसकी माफी तब मिलेगी जब आप उन सारी नमाजों को कजा नहीं कर सकते तो पक्का इरादा करके शुरू कर दे। अब आपके शुरू करने के बाद नामुकम्मल नमाजें रह गई, आपको मौत आ गई, तो ऐन मुमकिन है अल्लाह माफ करे, और अगर ना भी हो तो फिर उसका एक तरीका अल्लाह ने माफी मांगने का रखा, जो मैंने पिछले कई मरतबा ये बयान किया कि जो नमाजों के फिदिये हैं मरने वाले के पीछे वो अदा किए जाए तो उनकी माफ़ी तब मिलेगी। रोज़ा नहीं रखा, नहीं रखने हुआ तो या अल्लाह तू माफ़ कर दे, तुझे तो पता है ना मेरे सर में दर्द है, तुझे तो पता है ना मेरे पेट में दर्द है, तो अल्लाह को ये बताने की क्या जरूरत है भाई, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो, तुम्हारे सर में दर्द हो, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए, तुम कट फट जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हें कुछ भी हो जाए, तो ठीक है मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ, तुम रोज़ा मत रखो, मैं तुम्हारे ऊपर जबर नहीं करता, मगर मैं तुम्हें मौका भी तो दे रहा हूँ ना, आप एनुअल पेपर देते, एनुअल पेपर देते,
तो बोर्ड के दरवाजे के आगे जाके कभी कहा कि भाई मेरे घर में प्रॉब्लम हो गया था, मैं बीमार हो गई थी, तो अल्लाह के वास्ते मुझे पास कर दो। बोर्ड वाले कहेंगे भाई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हारे लिए एक चांस रखा हुआ है। वो चांस क्या है? सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री में वो मिस हुआ हुआ पेपर दे दो, तो पेपर देने के लिए अब बोर्ड मुफ्त कहेगा आओ आओ तुम बड़े नेक हो माशाल्लाह, आओ सीधे आके बैठ जाओ, आके पेपर दे लो। हाँ, उनके कहने का ये मतलब होगा कि सप्लीमेंट्री में तुम पेपर देके पास हो सकते हो। अब आपकी अकल, कॉमन सेंस और उनके कवानीन को देखकर ये खुद फैसला करेगी कि सप्लीमेंट्री देने के लिए मुझे उस टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा जिसमें उसका दाखिला जाना है, उसकी फीस का पता रखना पड़ेगा कि फीस कितनी देनी है, और उस इदारे का पता रखना पड़ेगा कि कहां से मेरा एडमिशन जा सकता है। ये सारा कुछ करने के बाद आप सप्लीमेंट्री में अपनी रोल नंबर स्लिप लेके जाएंगे, आपका पेपर हो जाएगा, बात खत्म हो गई, आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए। ये सारा कुछ हमने हंसी खुशी कर लिया, मगर जब अल्लाह ने कहा ना कि जो रोजा छूट गया है अब अगले दिनों में जाके किसी वक्त उस जैसा रोजा रख लेना तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा, अब हमें मुसीबत पड़ गई। अब हम अल्लाह की बात इतनी भी नहीं मानना जानते। अब हम ये कहते हैं कि किसी बाजी जान और किसी भाई जान के पास चलो और किसी मौलवी साहब के पास चलो, वो कोई कागज निकाल के हमें कोई खास रिलीफ दे दे, तुसी ते बड़े खास हो, तुहाड़ी कोई फीस नहीं, जो रोजा छूट गया सो छूट गया, अल्लाह ने आपको माफ कर दिया। नहीं, कानून समझना पड़ेगा तौबा का। अब उसकी रिकवरी कैसे है? छूटा हुआ रोजा रखना है, बंदा कत्ल हो गया है, आप कहें कि या अल्लाह मुझसे गलती होगी माफ कर दे, तो अल्लाह माफ करेगा? अल्लाह ने तरीका कुरान में बता दिया, जाओ जिनका बंदा मारा है उनसे जाके माफी मांगो और उनको कसास दो। जो हर जमाने में एक बंदे की मैयत का बदला मुकर्रर किया जाता है वो बदला जाके उसके वारसों को दो, अब जाके उनसे माफी मांगो, क्योंकि बदला देने के बाद उनका बंदा तो वापस नहीं ना आ गया, वो तो नुकसान उनका अपनी जगह पे है, ये तो तुम्हारी तरफ से उनकी मदद हुई है, लिहाजा कसास दो और फिर तुम तौबा करो, अब तुम्हारी तौबा कबूल हो। और बंदा, बंदे का तुमने दिल दुखाया, बंदे का तुमने करेक्टर मजरू किया, उसको बदनाम किया, उसके साथ ज्यादती की, उसको मारा पीटा, अब जाके आराम से शबे बरात वाले दिन लड़िया बोलिया बख्शे, क्या मजाक है, क्या मजाक है शरीयत के साथ। और पहले तो फिर चलने की हिम्मत होती थी, अब वो भी खत्म हो गई, अब मोबाइल पे और अपने हाथ से टाइप करके भी नहीं, पूरे पाकिस्तान में किसी एक बंदे का, दो का, चार का वो मैसेज घूम रहा है, जिसके पास आया फट क्लिक किया, आगे पूरे ग्रुप को भेज दिया, जिसे जानते हैं उसे भी, जिसे नहीं जानते उसे। ये माफी है, ये मजाक है। आज हम ये सीखने बैठे हैं सामियाते मोहतशम कि हम अगर माफी मांगना चाहते हैं, अगर अपने आप को बख्शवाना चाहते हैं, अगर अपना बर्तन साफ करके अल्लाह की रहमतों के लिए तैयार होना चाहते हैं तो कैसे। जिस वक्त आप ये सारा कर लेते हैं और इन सब लोगों से गुनाह बख्शवा के फिर तौबा करते हैं, तो याद रखिए कि फिर तौबा आपको वो मकामात अता फरमा देती है कि आप बाज़ औक़ात वलियों से भी आगे निकल जाते हैं। और दूसरा अदब तौबा का क्या है कि जब भी अल्लाह की बारगाह में तौबा के लिए जाओ पहले सदका करो, तौबा के नफल अदा करो, और तौफीक वो नहीं जो आपके पास मस्जिद के लिए तौफीक होती है, आपके बच्चे को पिज़्ज़ा खाने के लिए 1,000 रुपया चाहिए होता है और मस्जिद में ऐलान कराने के लिए 50 रुपये भी बहुत होते हैं, वो तौफीक नहीं। हकीकी तौफीक उसके साथ रब के हजूर पहले सदका करें, सदका करने के बाद तौबा के नफल पढ़ें, अपने आप को तैयार करें, फिर आजजी, इंकिसारी, आंखों में आंसू का सैलाब, शर्मसारी, निदामत, अपने आप को पस्त से पस्त, नीच से नीच तसव्वुर करते हुए झुक जाइए, सजदे में पड़ जाइए, फिर रोइए, तड़पिए, आहोजारी कीजिए, इस अंदाज में रब को मना लीजिए कि रब मान जा रब। ये तौबा करने का तरीका है, जैसे सूरह अन्निसा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वा मन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, जिस बंदे ने बुरे अमाल कर लिए
और अपनी जान पे जुल्म कर लिया। नमाज ना पढ़ेंगे तो जुल्म किस पे? अल्लाह पे, दीन पे, रसूल पे, किस पे? हमारे ऊपर, जिसने अपनी जान पे जुल्म कर लिया। सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, अब उसे एहसास हुआ, भागा अल्लाह की तरफ और उसने जाकर बख्शिश मांगी, इस्तिग़फार किया, तो क्या होगा? नक्शा बदल जाएगा। ये सब कुछ करके तुम अगर यहाँ पहुंचे हो तो यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, फिर अल्लाह को बड़ा ही बख्शने वाला, बड़ा ही मेहरबान पाओ। मैंने कहा कि ये वो मौका होगा कि सिर्फ आपकी तौबा कबूल नहीं होगी बल्कि कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह दोस्त बना लेता है, महबूब बना लेता है उन लोगों को जो बड़े तौबा करने वाले हैं, बेशुमार तौबा करते हैं, उठते बैठते तौबा करते हैं, अल्लाह को मनाने की फिक्र में रहते हैं और पाक सुथरे रहते हैं, जिनकी निगाह सुथरी, जिनके कान सुथरे, जिनकी जुबान सुथरी, जिनका जिस्म सुथरा, जिनका दिल सुथरा, अल्लाह उनको भी महबूब बना लेता है। इसीलिए फरमाया कि अत्तायु हबीबुल्लाह, कि अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है वो तौबा करने वाला। तो हमशीराने मोहतरम, अब हमने ये देखना है कि क्या वाकई कोई बंदा दुनिया में ऐसा गुजरा है जिसको अल्लाह ने ऐसी तौबा भी नसीब की हो, और क्या जो बंदा तौबा कर ले हमारी भी कोई जिम्मेदारी है उसको कबूल करने की कि नहीं? हम तो तौबा करने के बावजूद उसको ताने दे दे के मार देते हैं, उसको जीने का हक नहीं देते, उसको बर्दाश्त नहीं करते। क्या अल्लाह ने हमें इसकी इजाज़त दी है? ये भी वो गुनाह है जो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल है, और आज हम मुश्किल फैसले करने बैठे हैं। आप तैयार हैं? कितनी सच्चाई के साथ, हम आज मुश्किल फैसले लेने बैठे हैं। आज के इस दिन में आप ये समझे कि 7 दिन के तमाम लेक्चर्स की ये इब्तिदा भी है, ये इंतहा भी है, ये सब की जान भी है। ये है उन तैयारियों की असल तैयारी। इसका एक लफ्ज़ भी हमसे मिस नहीं होना चाहिए, इतने सच्चे हो जाए अगर आप दामन भरना चाहते हैं। मैं दो ख़वातीन के आपके सामने दो वाक्य रखने लगी हूँ। मर्दों का मैंने इंतखाब नहीं किया, हमें अपने आप को संवारने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ख़वातीन का इंतखाब किया। हज़रत हसन बसरी का ज़माना है। बाज़ मुसन्निफ़ीन ने लिखा है कि कोई और वहाँ नौजवान था, बाज़ ने लिखा कि खुद हसन बसरी थे। बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनके अंदर नामों का तब्दील हो जाना, ज़मानों का तब्दील हो जाना, ये होता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट कर दे कि ये तो फ़लाँ थे, ये फ़लाँ थे, नहीं। असल में हमारा टारगेट क्या होता है, उस वाक़े के अंदर हमारे लिए जो मैसेज है हम उसको कलेक्ट कर लें। और हम चूँकि खुद औरतें हैं लिहाजा किसी औरत का रोल मॉडल हमें जितना क्लिक कर सकता है वो किसी मर्द का नहीं कर सकता। हमारा ज़माना ऐसा है जिसमें आज इन दोनों वाक़यात की शदीद ज़रूरत थी। सुनिए, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना, नौजवान वो खुद है या कोई और है, कोई भी हो, बड़े बाग हैं, बड़े कारोबार हैं, बड़े बिजनेस हैं, अमीर तरीन नौजवान हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। जो कारोबार है, मैं ये नहीं बताने लगी कि वो बड़ा कोई ओबाश और बड़ा कोई बदकुमाश नौजवान था, बहुत बड़े बिजनेस थे, कारोबार थे, दौलत थी, गरीबों की मदद भी करता था, खिलाता पिलाता भी था, उनके घरों में जाके राशन भी देता था, 5 वक्त जमात के साथ नमाज भी पढ़ता था। लेकिन वो अट्रैक्शन जो अल्लाह ने मर्द के अंदर औरत के लिए और औरत के अंदर मर्द के लिए रखी है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई जब किसी चीज़ का शिकार होता है तो वो आगे लेके उसको कैसे चलता है, हलाल तरीका इख्तियार करता है या हराम। किसी का अच्छा लग जाना बुरा नहीं है, किसी का पसंद आ जाना बुरा नहीं है, हाँ बुरा तरीका इख्तियार करना बुरा है। जैसे आजकल
हमारी बेटियां भी और बेटे भी इन बुरे तरीकों में मशगूल हैं, इल्ला माशा अल्लाह। सामियात मोहतरम, जब वो नौजवान निकले मस्जिद से तो अचानक सामने एक ऐसी हसीनो जमील नौजवान लड़की सामने आ गई कि वो मबहूत हैरान और परेशान होकर नौजवान वहीं के वहीं खड़े हो गए, कदम आगे उठे ही नहीं, निगाहें बंद ही नहीं हुई, आंखें झपकना भूल गए और उस लड़की को पूरे इन्हमाक के साथ देखते रहे, टिकटिकी बांध के देखते रहे देखते रहे। वो लड़की घबरा गई, उसने कहा कि नौजवान तेरा ये हाल क्या है और ये तू क्या कर रहा है। कहा कि तेरी आंखें तेरा चेहरा ये मेरे दिल के अंदर उतर गया है और मैं आंखें झपकना भूल गया और मैंने आज तक तेरे जैसा हसीन चेहरा किसी औरत का देखा नहीं। वो नौजवान लड़की आज की लड़की नहीं, उस जमाने की लड़की। आज की लड़की होती तो अपनी साथियों को मैसेज कर करके शाम तक हजारों को बता चुकी होती कि आज मेरे साथ क्या हुआ और मुझे मेरी फलां ने कैसे कैसे तारीफ की। ये लानत है आज की लड़कियों के गले में। आज की लड़की को अपनी इज्जत इस्मत इफ्फत का पता ही नहीं, उसे अपने मकाम का पता ही नहीं। आज हमें अपनी नौजवान बच्चियों के सामने इन चीजों को बयान करना जरूरी है। लेकिन हमारा मुआशरा कितनी बुराई की तरफ निकल गया। आज वो बच्चियां 10-12 साल की बच्चियां के उनके नजदीक एक हया का वक्त वो होता था कि माँ बाप उनके सामने शादी की बात नहीं करते थे। बच्ची बालिग नहीं हुई तो कोई बालिग औरत उनके सामने बालिग औरत के मसाइल की बात नहीं करती थी, था कि नहीं। और अब खबासत और बवाल का ये आलम है कि यूरोप कंट्रीज को देख देख कर हमारे मुल्क में वो तालीम राइज होती जा रही है जिसमें बच्ची बालिग होने के करीब है तो उसे सेक्स की तालीम दो, उसे आगे आने वाले मसाइल बताओ, लड़की लड़के ने जिंदगी कैसे गुजारनी है उसे स्कूल क्लासों में प्रैक्टिकल बताओ। बेहयाई की इंतहा हो गई। हमारी बच्चियों को ये बताने की जरूरत है कि उनका रब ने मकाम क्या बनाया है, उनकी इज्जत क्या है, इफ्फत क्या है, शान क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। औरत एक मखसूस बॉडी वाले इंसान का नाम नहीं, औरत तो उस माँ का नाम है जिसके पेट से नबी पैदा होते हैं, औरत उस माँ का नाम है जिसके पेट से वली पैदा होते हैं, औरत उस माँ का नाम है जो शरीयतों की अमीन बना करती है। किसी ने सिखाया आज की औरत को तेरा मकाम कितना है? यदि इसलिए हमें देखने पड़े तो खैर, वो नौजवान औरत लड़की उसने कहा कि ए नौजवान तुझे डरना चाहिए, तू जो हरकत कर रहा है ये बहुत बुरी और हराम हरकत है। उसने कहा कौन सा डर, जो बंदा अमीर कबीर होता है ना उसे किसी का डर नहीं होता। उसने कहा कौन सा डर, किससे डर, मैं किससे डरूंगा। फौरन अगला जवाब दिया उस नौजवान लड़की ने, कहा उस रब से डर जिसने तुझे पैदा किया, उस रब से डर जो तुझे अभी फना करने पे कादिर है, तेरी गिरफ्त करने पे कादिर है। उसने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी हालत मेरे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए कि तेरे हुस्न जमाल ने मुझे इतना खींच लिया अपनी तरफ कि मैं इस वक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, लड़की की गैरत समझदारी सुनिए। कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरे सरापे में से सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, क्या खूबसूरत लगा। कहा तेरी आँखें, तेरी इतहाई खूबसूरत आँखें मुझे बेबस कर गई। कहा अच्छा ठीक है। ये कह के लड़की का घर करीब ही था, वह चली गई और लड़का वहाँ, वो नौजवान जो था वो हैरत ज़दा उसी शहर में हुसन में गुम वहीं का वहीं खड़ा रहा। कुछ देर गुजरी, उस घर से एक और लड़की निकली और
वो सीधी चलती हुई उस नौजवान के पास आई। दिलों पे हाथ रखिए, जिगर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ये सुनकर कि उस लड़की के हाथ में एक प्लेट है, वो प्लेट ऊपर से एक दूसरी प्लेट से ढकी हुई है। लाके उस नौजवान को दी, कहने लगा ये क्या है? कहा वो मेरी मालिकन जो अभी तेरे पास से गई थी उसने तेरे लिए ये तोहफा भेजा है। बड़ा खुश हुआ, बात तो बनती नजर आ रही है, लेकिन अगला लम्हा कयामत से बड़ी कयामत थी। उसने जब प्लेट के ऊपर से प्लेट उठाई, उस प्लेट के अंदर उस नौजवान लड़की की खूबसूरत आंखें थी। उसने जाते ही छुरी ली, छुरी लेकर दोनों आंखें निकाली और निकाल कर प्लेट में रखी, मुलाजिमा को दी। कहा जाओ जो बाहर नौजवान खड़ा है उसको दे आओ और उसे कहो कि मेरी वो आंखें जो मेरे नबी के नौजवान उम्मतियों को फितने में डाल दें, मैं उन आंखों को अपने चेहरे पे कभी नहीं रख सकती। जब उस नौजवान ने आंखें देखी तो बेहोश होके गिर गया। कुछ देर के बाद होश आया, जिस्म कांप रहा था और एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई कि अंग अंग अल्लाह के हजूर शर्मसार था, तौबा कर रहा था, अल्लाह से माफी मांग रहा था। इसी कैफियत पे वहां से उठा तो कहा कि मैं अल्लाह से तो माफी मांग रहा हूं, मैं उस लड़की से भी तो माफी मांग के आऊं जिसकी वजह से मैं आज इस काबिल हुआ और जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। शाम हो गई, कैफियत संभलते संभलते रात हो गई। घर से उठा, आया कि मैं उस नौजवान लड़की का शुक्रिया अदा करूं जिसने मुझे इतने बामल तरीके और इतनी बड़ी कुर्बानी के साथ तौबा की दावत दी। लेकिन जब वो नौजवान अब उस घर के दरवाजे के करीब पहुंचने लगा तो देखा उस घर से जनाजा निकल रहा था। लोगों से पूछा कि ये जनाजा किसका है, लोगों ने बताया कि ये उसी लड़की का जनाजा है जिसने अपनी आंखें निकाल के तुम्हें भेजी और तुम्हें रब से डरने की दावत दी। सामियाते मोहतशम, कायनात के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई बेटी, कोई बहन, कोई बीवी, कोई माँ तलाश कर सकते हैं आज के दौर में? आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारी तरबियत खत्म हो गई, हमारी तालीम खत्म हो गई, हमारी हया जाती रही, हमारी गैरत मर गई, इसलिए आज कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जिस काम के लिए हम चले हैं और हमने जिस तरफ कदम उठाए हैं, आज अगर सच्ची तौबा नसीब हो गई तो शायद हम पलट कर फिर उस जमाने में चले जाएं। शायद आज हमारी हर बेटी के चेहरे पे हया की वो रौनक आ जाए, गैरत ईमानी बेदार हो जाए और आज हमारी हर बेटी अपनी इज्जत और नामोस की वापिस बन जाए। कहते मैं वहां से जिस हाल में गिरता पड़ता निकला, घर पहुंचा, इसी हाल में रात को सोया, वो लड़की ख्वाब में मुझे नजर आ गई। मैंने कहा कि ऐ नौजवान मुस्लिमा औरत, मैं तेरा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? तूने कितनी बड़ी कुर्बानी देकर मेरी जिंदगी को बदल दिया, मुझे तौबा करने वाला बना दिया, रब के करीब कर दिया। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे कि मुझे कोई वसीयत कर, मुझे कोई नसीहत कर। तू तो अपने मकामे बुलंद पे पहुंच गई तो मैं भी अपनी जिंदगी को बचा के कामयाब होके यहाँ से गुजर जाऊं। उसने जो ख्वाब में फरमाते हैं कि मुझे नसीहत की, आज की
हर माँ भी सुन ले, बेटी भी सुन ले। उसने कहा कि ऐ बंदा खुदा, अगर तुम मकाम कुर्ब में दाखिल होना चाहता है, अपने रब को राजी करना चाहता है, तो सुन, इजा खलौता फज़कुरिल्लाह, जब तू अकेला हुआ कर, तो अकेले में शैतान सबसे ज़्यादा गलबा करता है, शैतान बुरे रास्ते की तरफ सबसे ज़्यादा लगाता है। लिहाजा वा इजा खलौता फज़कुरिल्लाह, कि जब तू अकेले हो तो अपने रब को याद किया कर, किया कर, किया कर, उसका जिक्र करता रहा कर। और इजा असबहता व अमसैता, जब हर रोज तू सुबह सो के उठे और दिन गुजार के तुझे रात मिले, तो फस्तगफिरिल्लाह, फिर तू अल्लाह से तौबा किया कर, अल्लाह से माफ़ी मांगा कर, इस्तिग़फ़ार किया कर, व तुब इलैक, और अपने रब के हुजूर तौबा पेश किया कर। ये तेरे लिए मेरी नसीहत। हमारा रास्ता ये है सामियात मुहतशम, हमारी तरबियत का मंबा और महवर ये है। अगर हमने डिग्रीज लेनी, हाफिज बन गए, आलिम बन गए, लोग हमारे हाथ चूमने लग गए, हम सजदों पे सजदे करने वाले बन गए, शब बेदार बन गए, खुदा की कसम कुछ नहीं मिलने वाला जब तक अपने रब का खौफ, उसकी खशियत और अल्लाह से डरने का ये जज्बा हमारे अंदर पैदा ना हुआ, हमें तन्हाई में और वजूद में हर वक्त अपना रब याद ना रहा और उसका डर हमारे ऊपर हावी ना रहा, कोई चीज़ हमें फ़ायदा देने वाली नहीं। ये सब धोखा होगा, ये सब रियाकारी होगी, ये सब दिखावा होगा। दूसरी तरफ चलिए, बनी इसराइल का दौर है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, और आपके ज़माने में एक नौजवान लड़की है, बिल्कुल अपोजिट किरदार। पूरे ज़माने में खुलेआम अय्याश, बदमाश, फाजिरा, फासिका, हर तरह की बुराई छुप के करने वाली नहीं, खुलेआम करने वाली, पूरा ज़माना उसको जानता है। और कैसे, बहुत बड़ा महल उसने अपना बना रखा और बड़ी लंबी लंबी फीसें गैर मर्दों से वसूल करती है अपनी बदकारी और उनसे मुलाकातों के लिए। किसी बंदे से कुछ ढका छुपा नहीं था, महल बनाया, महल के आगे बहुत बड़ा सा गेट लगा, 24 घंटे वो गेट खुला रहता और गेट के सामने वो तख्त के ऊपर बैठी रहती। सोच सकते, हर आने जाने वाला खड़ा होके देखता है, गुजरता देखता है, मगर करीब जाने के लिए लाखों की फीसें हैं, वो कोई देगा तो उससे बुराई करने के लिए उसके करीब जाएगा। यही दौलत बेतहाशा इकट्ठी कर करके उसने आलीशान महल बना लिया। हर वक्त एक मलिका की तरह सज धज कर, जेवरात के साथ, आलीशान लिबास के साथ सामने तख्त पे बैठी रहती, कोई रोक टोक नहीं किसी को देखने में। अरसा गुजर गया इसी हालत में। एक दिन साथ वाली आबादी से एक नौजवान गुजरा, गुजरते गुजरते जब उस गली में आया, वैसे ही चौपट, गेट खुला था, उसकी नज़र भी पड़ गई। वो एक बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, इबादत गुजार, शब बेदार वो नौजवान था। जमान वहां से गुजरा तो नजर पड़ी, देखा तो देख के आगे तो गुजर गया, मगर अंदर से कोई चीज़ खींच गई। ये एक फितरी चीज़ है ना, हर खूबसूरत चीज़ की तरफ दिल तो खींचता है। अब फैसला तो आपने बाद में करना है ना कि मैं इसका हकदार हूँ कि नहीं, ये अलग अगली बात है। चला गया, दिल है कि वापस उसी हवेली की तरफ, उसी महल की तरफ खींचता जाता है, खींचता जाता है। हमशीराने मोहतरम वो वापस घर चला गया, पहले से ज़्यादा कोशिश करता है इबादत की, दिल पलट कर वहाँ आ जाता है, कसरत से रोज़े रखने शुरू कर दिए कि मेरे अंदर से उस औरत का ख्याल निकल जाए, मगर नहीं, वो कामयाब नहीं होता। पहले से ज़्यादा तिलावत कुरान शुरू कर दी कि शायद मेरी तवज्जो उधर ना जाए तो मैं उससे आज़ाद हो जाऊँ, मगर नहीं,
इस कदर मजबूर हो गया कि वो एक नॉर्मल सफेद पोश आदमी था। लोगों से पूछा कि उसके पास जाने, उससे मिलने, उसके पास बैठने का क्या तरीकेकार है। लोगों ने उसकी बड़ी हैवी हैवी फीसें बताई। उसके पास जो माल असबाब था ना, थोड़ा बहुत उसने बेचा। बेचकर वो रकम जमा की जो उसको देकर अपनी फीस अदा कर सकता था और उसके पास जाके बैठ सकता था। जाके फीस पेश की, फीस पेश करके जाके उसके पास बैठ गया। जब बैठ गया तो औरत उसी तरीके से जो उसका पेशा था, जो तरीकेकार था, वो सज धज के उसके साथ बैठ गई। जब इतना करीब उस नौजवान ने अपने आप को उस औरत के देखा, आस्ता आस्ता उसका रंग जर्द होने लग गया, जिस्म कांपने लग गया और अजीब कैफियत हो गई। जब औरत ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो कहने लगी कि अजीब मर्द है, यहाँ तो चंद लम्हे मेरे पास बैठने के लिए बड़े बड़े रईस तरसते हैं और उनकी बारी नहीं आती, और अब जब इसको मैंने टाइम दिया, पास बुलाया और इसके पास पूरा मौका है अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करने का, तो ये क्या कर रहा है। उसने नौजवान को मुखातब करके कहा कि भी क्या है, तुम बीमार हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि हाँ, मैं बैठना नहीं चाहता, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो औरत कहने लगी कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो जिस काम के लिए तुमने फीसें भरी हैं वो काम करो और जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वो उठ के खड़ा हो गया, सब कुछ छोड़ के जाने लगा। उस औरत ने कहा कि मुझे ये तो बताओ, तुम हो कौन, कहाँ से आए और ये सब क्या है। उसने कहा कि मैं बचपन से लेके अब तक अपने रब के दरबार में बैठता हूँ, 24 घंटे मेरा रब मुझे देखता है। अब जब मैं तुम्हारे करीब आके बैठा तो मुझे फौरन ख्याल आया कि वो रब जो सारी जिंदगी से मुझे कुरान के सामने जाए नमाज के ऊपर और अपनी बारगाह में देखता है, वो अब भी मुझे देख रहा है, तो मैं उस रब को किस तरह फेस करूं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इस मंजर को जारी रख सकूं। मेरा जिस्म कांप रहा है और मेरी बर्दाश्त से सब बाहर है। वो बुलाती रह गई, नौजवान उठा और तेजी से बाहर निकल गया, वापिस चला गया। जब उसने ये देखा औरत ने कि एक नौजवान जिसने अभी कोई बुराई की नहीं, उसने कोई इरादा नहीं किया, वो सिर्फ मेरे करीब आके बैठा, उसको अपने रब से इतनी मोहब्बत और इतना खौफ है और मेरा तो अंग अंग विलाजत में उतरा हुआ है, और मैंने तो सारी जिंदगी कभी सोचा ही नहीं कि मेरा रब है, तो मेरा क्या हाल होगा। जब उस नौजवान को अपनी आखिरत के अजाब की इतनी फिक्र है तो मेरा रब मेरे साथ क्या करेगा, मेरा अंजाम क्या होगा। एकदम से कैफियत बदली। क्यों बदली? यहाँ एक तवज्जो कीजिए एक नुक्ते की तरफ। हमशीरान मोहतरम के वो नौजवान एक अल्लाह का नेक बंदा, परहेजगार बंदा था, किस तरह सारी कोशिशों के बावजूद वो जब नाकाम हुआ तो उसने सोचा कि शायद मैं करीब चला जाऊं तो मेरी ये कैफियत ख़त्म हो जाए। वो आ गया, वो जिस लिए आया, जिस तरह आया, उस सब को छोड़कर सिर्फ एक लम्हा ये तसव्वुर कीजिए कि वो जो नौजवान आके उस गंदगी भरे माहौल के अंदर बैठा, उसके बैठने की बरकत इतनी हुई कि अल्लाह ने सारी जिंदगी की गिलासतों में गिरी हुई औरत को रब का ख्याल पैदा कर दिया। ये वो नुक्ता होता है हमारा किसी नेक मजलिस में, किसी नेक जगह में चल के जाने का, कि कभी कभी ऐसी नजर हमारे ऊपर रब की पड़ जाए तो वो बरकत फिर हमसे संभाले। उस औरत की कैफियत बदलने लगी। उसने अपना लिबास उतारा, अपने एक कमरे में जाके वुजू किया और सोचने लगी कि मैं क्या करूं।
अब मैं किस तरह अपने आप को निकाल सकती हूँ, किस तरह से मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। उसे ख्याल आया कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुझे रابطہ करना चाहिए, मेरी वो मदद कर सकते हैं। उसने एक बंदा बुलाया, उसे कहा कि जाओ मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह में जाके कहो कि फलां औरत आपसे मिलना चाहती है। चूँकि ज़माने में बदनाम तरीन औरत थी और उधर अल्लाह की कलीम और उधर इसका पैगाम, तो वो वक्त था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम एक मजमे में वाज़ फरमा रहे थे। ये बंदा गया और उसने जाकर कहा कि फलां फलां औरत ने मुझे पैगाम दिया, वो आपसे मिलना चाहती है। तो मिलने का मतलब क्या था और उस मजमे में वो पैगाम देना, यहाँ एक सबक और भी है कि जब कभी किसी बंदे को अहम काम के लिए तलाश करो तो पहले बंदा भी देख लो, उसके अंदर पैगाम देने की अकल भी है कि नहीं, वो किस वक्त में क्या पैगाम देगा, वो जाके और मुतनफ़र करेगा या हिकमत अमली इख्तियार करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी चीज़ का ख्याल उस बंदे ने नहीं किया, ऐन वास के दरमियान जाके मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया, आपको जलाल आया और आपने कहा कि वो औरत मुझसे मिलेगी, जाओ उसे कहो यहाँ से निकल जाए, मेरे साथ उसका कोई काम नहीं है। वो रोती हुई वापिस आ गई, आके गेट बंद कर लिया, कमरे में चली गई। बड़ों से सुन रखा था कि जब सच्ची तौबा करनी हो, रब को मनाना हो, तो सजदे में चले जाना चाहिए, सजदे को रब बड़ा पसंद करता है। सजदे में जाके गिरी, रोई, चीखे मार मार के रोई, कहा या अल्लाह अब मैंने सोचा कि मैं नेक हो जाऊं, मैंने सोचा कि मैं तौबा कर लूं, मगर तेरे नबी ने मुझे धुतकार दिया, अब मैं किधर जाऊं, अब मेरे बचने की क्या सूरत हो सकती। रोती रही रोती रही, मगर बहुत वक्त गुजरा, रात का वक्त हुआ, जोर जोर से गेट पे दस्तक हुई, कहने लगी कि या अल्लाह मैं तो तौबा कर रही हूं, अब कोई भी आ जाए कुछ भी हो जाए मैंने गेट नहीं खोलना, मैंने अब वापस इस गंदगी की तरफ नहीं जाना। फिर वो जितनी अल्लाह से मिन्नत करती है उतने जोर से गेट बजता है, फिर मिन्नत करती है, फिर बचना चाहती है, फिर जोर से गेट बजता है जो कभी बंद ही नहीं हुआ था। आखिर मजबूर होकर कहती है मैं देखूं और जाके मना कर दूं, कौन है गेट पे। जब जाके दरवाजा खोलती है, देखती है तो आगे मूसा कलीमुल्ला खड़े होते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्ला चल के उस फाहिशा और बदकार औरत के दरवाजे पे आते हैं और हैरान होती है कि अल्लाह के नबी आप चल के मेरे दरवाजे पे आ गए। कहा हाँ, जब तूने पैगाम भेजा मैं उस वक्त वास कर रहा था, वहाँ से फारिग होके मेरा कैलूले का टाइम था, मैं थोड़ी देर के लिए लेटा तो मुझे रब की तरफ से झिड़क आ गई, रब ने मुझे झिड़का, कहा है कलीम मेरी एक बंदी तौबा करके मेरे करीब आना चाहती है और तूने उसे धुतकार दिया, वापस भेज दिया, मुझसे दूर कर दिया, जाओ जाके उसे सीधी राह दिखाओ, तो मैं अल्लाह के उस हुक्म पर तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ, तौबा की, तौबा का तरीका सीखा, जिंदगी को छोड़ दिया। कहने लगी कि अब ये जो प्रैक्टिकल आगे मैं बात करने लगी हूँ ये वो असल बात है जिसके बगैर हमारी तौबा नहीं होती। कहने लगी कि मैं इसी इलाके में बदकारी में मशहूर, फहाशी में मशहूर, बुराई में मशहूर, दुनिया सारी मुझे जानती है, मेरी तौबा को कौन कबूल करेगा, कौन मुझे जीने देगा। जब अल्लाह की मोहब्बत सच्ची होती है तो फिर ये वो के चक्कर खत्म हो जाते हैं, वो महल आलीशान महल वहां का वहां रह गया, जेवरात रह गए, आलीशान फर्नीचर सामान सब वहां पड़ा है, एक सादा सी बड़ी सी चादर निकाली, अपने जिस्म को उसके अंदर लपेटा, कहा कि बस आज मेरा फैसला है कि मैं इस जगह को छोड़कर कहीं दूर अपने रब के लिए जंगल में चली जाऊंगी, वहीं जाके मेरा गुजारा हो सकेगा, लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे। निकलने लगी तो ख्याल आया किधर जाऊंगी, जंगल में अकेली औरत को कौन रहने देगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एकदम क्लिक हुआ, एकदम ख्याल आया, वो नौजवान
वो कहाँ होगा जिसने मेरे रास्ते को बदल दिया। क्यों ना हो कि मैं उसकी नौकरी में चली जाऊं, मैं उसकी खादिमा बन जाऊं, अगर उसने कर्म किया तो शायद मुझसे निकाह कर ले, वरना वहां जाके मैं महफूज हो सकती हूँ, मैं वहां चलती हूँ। उस बंदे की इबादत रियाजत बाहर आने का एक अपना वक्त था, शेड्यूल था, और उसके अलावा वो घर वालों से भी बाहर निकल के नहीं मिलता था। पूछती पूछती उस बंदे के घर चली गई, घर पहुंची, लोगों को बताया घर वालों को कि मैं इस नौजवान से मिलने के लिए फला जगह से आई हूँ। उन्होंने कहा कि वो नौजवान तो अपनी मर्जी से फला फला टाइम और कभी उसमें भी बाहर नहीं निकलता, हम तो अपनी मर्जी से उसको बुला के तुमसे मुलाकात नहीं करवा सकते। खौफ खुदा क्या है साहब, हकीकी सच्चाई क्या है, और सच्ची जो तौबा और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत क्या है। हमने जिंदगी के 80-80 90-90 साल भी अगर गुजारने वालों को देखा तो उन्हें समझ नहीं आई कि तौबा किसको कहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं, सच्चाई किसको कहते हैं। वो बंदा जिस दिन से यहाँ से ये देख के गया वापस, उसने और ज्यादा बाहर निकलना कम कर दिया। ये कहने लगी कि ठीक है मैं इंतजार कर लेती हूँ, जब भी वो बाहर आएगा मैं उससे मिल लूंगी। उस जिस उजरे में इबादत करता था उसके सामने सहन में वो बैठ गई। अब इत्तेफाक हुआ कि कुछ टाइम के बाद उस नौजवान ने अपनी किसी जरूरत के लिए जूं ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, फिर वही नजर उस औरत पे पड़ी जिसने उसे इतने फितने में मुब्तला कर दिया था। जब सीधी नजर उस औरत के चेहरे पे उसके हुस्न पे पड़ी, वो वहां दरवाजा पकड़ के खड़ा रह गया और उसी लम्हे मौत आई, वो जिंदगी से गुजर गया, दुनिया से गुजर गया, मौत आ गई, वहीं मर के गिर गया, घर में कोहराम मच गया। उस औरत को कितना दुख था कि वो क्या सहारा ढूंढ के आई थी, उसके साथ क्या हुआ, घर वालों के साथ क्या हुआ। जब वफात हो गई, दफन कफन हो गया, उसने घर वालों को बताया कि भी मेरी ये कहानी है और मैं तो इसलिए तौबा करके निकली थी अपना सहारा ढूंढ के और मैं यहाँ आई, मगर इस बंदे की खशियत और खौफ खुदा ने उसको एक लम्हा मेरी बात सुनने का मौका नहीं दिया कि मैं उसको बताती कि मैं अब तुम्हारे पीछे क्यों आई हूँ। वो तो दुनिया से गुजर गया। वालिदैन ने कहा कि अच्छा अगर तेरा ये माजरा है तो उस नौजवान का भाई हमारा एक और बेटा है, हम उससे पूछते हैं, अगर वो इस काम के लिए राजी हो गया तो ठीक है, तू उससे निकाह कर ले और तू घर में हमारे पास इज्जत से रहती रहना। घर वालों ने अपने बेटे को सारा मामला समझाया सुनाया, वो एक इज्जतदार नौजवान था, उसका भाई वो मान गया। उसने कहा कि ठीक है मैं इसके साथ निकाह करता हूँ और निकाह करके इसे इज्जत की पाकीजा जिंदगी अता करता हूँ और ये मेरे घर में मेरी बीवी बन के रहे। निकाह हो गया। शीराने मोहतरम, वो जमाने की रुस्वा तरीन औरत जब सच्ची तौबा करके निकली और उसने अहद कर लिया कि अब मैं कदम पीछे नहीं हटूंगी, अब मेरे गुनाह कभी गाय के थन में वापस नहीं जाएंगे, आने वाले वक्त में अल्लाह ने उन दोनों मियां बीवी को औलाद दी, 7 बेटे अल्लाह ने अता किए और वो सातों के सातों बनी इसराइल के बड़े मर्तबे के वली बने। ये वो इनाम था अल्लाह पाक की तरफ से जो उस औरत को अता किया गया, और दुनिया वालों को क्यामत तक के लिए अल्लाह ने दिखाया कि जो सच्चा होकर इतने पहाड़ गुनाहों के लेकर भी आ जाता है तो मैं उसको माफ़ी नहीं करता बल्कि फिर बुलंदियां भी देता हूँ, अपना महबूब भी बनाता हूँ, ऊँचे मकामात भी अता करता। तो हम शीराने मोहतरम, ये हमारा आज का अमल, ये आज की हमारी धुलाई, आज का ये गुस्ल, ये जब तक कामिल नहीं होगा हमारे अगले दिन में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। मेरी मिन्नत है तो खुदारा इस वक्त की सफ़र की इन घड़ियों की कदर करके इस साल को अपनी ज़िंदगी का अनमोल साल बना लें। जब ये अनमोल हो गया तो अगली बाकी सारी ज़िंदगी भी अनमोल ही हो जाएगी। और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर लें, मैं भी कर लूँ आप भी कर लें कि मौला हमारा बैठना, हमारी
इल्तिजा करना, ये ज़ाया ना हो, हमारी तौबा झूठी ना हो, बल्कि इसे इतना सच्चा कर दे कि या रब गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। या रब गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इस यहाँ पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। मौला इस यहाँ पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। या रब गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। और जहाँ सोस दिल फिगार हूँ, यानी दिल फट रहा है तेरी रहमत को बसाने के लिए और अपने गुनाहों को याद करके, शर्मसारी और निदामत से ये हाल है, या अल्लाह शायद इस हाल में मेरा जिगर फट जाए, मेरा दिल फट जाए, तो मौला मेरी तौबा कबूल कर ले। इस कैफियत में पुकार लीजिए कि जहाँ सोज और दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो। सर तापा इनकिसार हूँ, तौबा कबूल हो। और गुजरी तमाम उम्र मेरी लहवो लाग में, खेल तमाशों में, गुजरी तमाम उम्र मेरी लहवो लाग में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, और साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, दस्ते दुआ बुलंद है मौला तेरी जनाब में, मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम, मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम, मैं हूँ स्याहकार मगर तू तो है रहीम, मैं हूँ फलाह पजीर मगर तू तो है कदीम, मैं अदना हकीर सही तू तो है अजीम, या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नियामत का वास्ता, या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता, या रब रसूल हक की रिसालत का वास्ता, मैं इकरार करती हूँ अपने कसूर का, ये सब बोल दीजिए, मैं इकरार करती हूँ मौला अपने कसूर का, मैं हो गई हूँ ऐसे गुनाहों में मुबतला, जिनकी है आखरत में कड़ी से कड़ी सजा, ले दे कि मुझे तेरे करम का है आसरा, या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इस यहाँ पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। रब्बिर फिर वरहम وانت خير الراحمين ووفقني امري الى الله ان الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ये सवाल पूछे किसी ने कि जब किसी बंदे से जुल्म किया हो हमने और फिर वो बंदा ना मिले, मतलब कहीं चला जाए या दुनिया से चला जाए, अब उससे माफ़ी कैसे मांगे? उसका तरीका ये है कि अगर आपको ये पता है कि वो दुनिया से चला गया, उसकी कब्र का पता है, आप उसकी कब्र पे जाके उससे माफ़ी मांगे। अगर कब्र का भी नहीं पता और ज़िंदगी मौत का भी नहीं पता, तो फिर उसके लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ें, जो भी कलामे पाक पढ़ें रोज़ाना, उसको इसाले सवाब करें, उसके नाम का कोई बेहतरीन सदका जारिया कायम कर दें, जिसकी वजह से उसको नेकियां पहुंचती रहेंगी, तो अल्लाह करीम उसकी रूह को आपसे मायल फरमा के राज़ी कर देगा। फिर उसका ये तरीका होगा। अल्लाह पाक हमें अपने मुहासबे की तौफीक अता फरमाए।